नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भूमि सर्वेक्षण के बारे में। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण में कई गड़बड़ियां जो है सामने निकल कर आई है। ऐसे में जो शिकायतें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमीन सरकारी जमीन का खाता आम रैयतों के नाम खोल दे रहा है। पिछले दिनों इसकी समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण में लगे कर्मियों को कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। इसमें दर्ज होगा कि कौन काम किस तारीख तक होगा। उन्होंने कहा है कि बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वेक्षण शिविरों का नियमित सर्वेक्षण करेंगे। साथ साथ यह भी कहा गया है कि गैर हाजिर कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस सिलसिले में जहानाबाद और अरवल जिले में तैनात विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो और अमीन का जिक्र किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये सब अक्सर कार्यस्थल से नदारद रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को कहा है कि बकास्त जमीन रैयत के नाम पर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि नालंदा जिले के कुछ अमीनों द्वारा बगैर वाजिब कागजात के बकास्त जमीन जिसमें पहले से जमाबंदी और वैसी जमीनें जिसका लगान जमा नहीं होता है उसे सरकारी भूमि माना जाता है का रैयत के नाम से खाता खोलने की शिकायत मिली है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह गंभीर शिकायत है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि वे सभी कर्मियों के पते का भौतिक सर्वेक्षण करें। ये पता सर्वे शिविर का देते हैं, कहीं और रहते हैं। पटना के सटे शिविरों से ऐसे शिकायतें अधिक आ रही है। कार्यालय को दिए पते पर न रहने वाले कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं, वेतन बंद कर दें। अररिया के बंदोबस्त पदाधिकारी भरमाया शिविर प्रभारी के 2 महीने से गायब रहने का शिकायत मिली है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेकार और कामचोर कर्मी के रहने से नहीं रहना अच्छा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों को तत्काल सेवा से मुक्त कर दिया जाए। बता दें कि इस वर्चुअल बैठक में कई बंदोबस्त पदाधिकारियों ने खतियान और नक्शा न मिलने की शिकायत की। उनका कहना था कि कई अंचलाधिकारी सर्वेक्षण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे अंचलाधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक अंचलाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। कुछ बंदोबस्त पदाधिकारी ने हवाई एजेंसियों की शिकायत की है। यह भी कहा है कि हैदराबाद की एजेंसी IIC के बारे में बताया है कि सहयोग न मिलने के कारण सर्वेक्षण प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार के 18 जिलों में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने इसकी तैयारी कर ली है। निदेशक जय सिंह ने संबंधित जिलों के DM सह बंदोबस्त पदाधिकारी को भी अपने अपने जिले में सर्वे पूरे होने वाले कार्य शुरू कर देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शिविर आदि को लेकर तैयारी रखने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाने की बात कही है। जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है उनके चयन के लिए अंचल एवं गठन होने वाले शिविरों का निर्धारण भू अभिलेख एवं निदेशालय के नोडल पदाधिकारी की सलाह पर किया जाएगा। दो तरह की बातें निकलकर सामने आई इस दौरान। एक तो पहले से कई ऐसे जिले हैं जहां पे बंदोबस्ती या फिर जमीन को जो है उसकी मापी की बात जो है सरकारी आंकड़े के अनुसार कही जाने की बात कही गई, जिसे हम भूमि सर्वेक्षण के रूप में जानते हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जिनमें नए तरीके से जो है भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाना है, इसको लेकर भी जो है खबरें मीडिया में चल रही हैं। शुरुआत के समय के जो भूमि सर्वेक्षण के काम चल रहे थे उसमें जो है कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें जो सरकारी ज़मीनें थी उसे जो है एक तरह से कह लें कि निजी व्यक्तियों को के नाम से किए जाने की खबरें जो है मीडिया में चली। और अब जो है एक तरह से कह लें कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है और वैसे कर्मचारियों पर भी गाज गिरेगी जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।